हेलो स्टूडेंट, बाल्यावस्था वृद्धि और विकास वाले पेपर में हम फर्स्ट यूनिट में अपने अभिवृद्धि और विकास दिया हुआ है। उसमें अभिवृद्धि और विकास का अर्थ समझते हुए हम दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे, अंतर को समझेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। यानी अभिवृद्धि तथा विकास शब्दों में समानार्थक रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी इनको समान माना जाता है अभिवृद्धि और विकास को, जो कि एक भ्रांति युक्त है, यानी गलत धारणा है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यानी मनोविज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न माना गया है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं है, यानी एक दूसरे के साथ चलती है, पूरक प्रक्रियाएं, क्योंकि इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। मानव के गर्भाधान के समय से लेकर अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती है। इसलिए कहा है कि अभिवृद्धि और विकास मानव के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, तथा अभिवृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलती है। अभिवृद्धि का अर्थ है परिभाषा कुडू है टूटू के अनुसार, शारीरिक अभिवृद्धि का अर्थ शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनकी कार्य क्षमताओं का क्रमिक विकास है। गर्भाधान के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति सतत परिवर्तनशील है, वह कभी स्थिर नहीं रहता है। यानी जो शारीरिक अभिवृद्धि जो है वह शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनकी क्षमताओं का क्रमिक विकास है। यानी क्रम के अनुसार शारीरिक जो अंग है उसकी क्षमता है, उसका क्रम के अनुसार उनका विकास है। जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति में सतत परिवर्तनशील है, यानी व्यक्ति में परिवर्तनशील है, तो वह कभी भी स्थिर नहीं रहता है। और शारीरिक अभिवृद्धि से व्यवहार तथा व्यवहार से शारीरिक अभिवृद्धि प्रभावित होती है। यानी जो अपनी जो शारीरिक अभिवृद्धि है उससे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, तथा अपने प्रभाव से शारीरिक अभिवृद्धि प्रभावित होती है। अभिवृद्धि लयात्मक तथा नियमित होती है। यानी अभिवृद्धि लयात्मक और नियमित रूप से होती रहती है। उसके बाद है विकास। जेम्स रेवर ने कहा है कि विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में किसी गंतव्य दशा की ओर निर्दिष्ट हो, प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यानी जो विकास की जो दशा है वह प्रगतिशील रूप में व्यक्ति में गंतव्य दशा की ओर निर्दिष्ट यानी दिखाई देती है, प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। विकास की जो अवस्था है वह विकास का गंतव्य रोधक, सामान्य विकास में अवरोधक और विकास तंत्र का विश्लेषण तथा इसके मूल्यांकन का माप होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी जो अभिवृद्धि है और विकास है, विकास हमारा जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, किंतु अभिवृद्धि एक निश्चित आयु के साथ आकर हमारी अभिवृद्धि रुक जाती है। अभिवृद्धि यानी वृद्धि से लगाया जा सकता है इसका अर्थ। यानी अपना जो शारीरिक जो ढांचा है वह अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है, जो एक निश्चित सीमा तक आकर या कहे कि एक निश्चित आयु तक आकर अभिवृद्धि हमारी रुक जाती है, किंतु हमारा जो विकास है वह क्रमिक रूप से निरंतर चलता रहता है, जिसको हम जन्म से मृत्यु पर्यंत तक हमारा विकास चलता रहता है। अब हम इन दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करते हैं। अब है इनके मध्य अंतर। अभिवृद्धि में जो है शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन होता है। यानी अभिवृद्धि से आशय शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से होता है, जबकि विकास जो है वह शारीरिक मानसिक एवं व्यवहारिक संगठन से है। यानी जो विकास जो है हमारे जो शरीर के जो विभिन्न जैसे शारीरिक मानसिक और व्यवहारिक जो संगठन है इनसे विकास होता है। और फिर अभिवृद्धि
शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है, यानी अभिवृद्धि का आशय है शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से होता है, जबकि विकास पर्यावरण से संबंधित होता है। यानी जबकि अपना जो विकास है वह पर्यावरण से संबंधित होता है कि अपने आसपास का पर्यावरण कैसा है। अगर अपने आसपास का पर्यावरण अच्छा होगा तो व्यक्ति का विकास भी उसी के अनुसार होगा, और आसपास का पर्यावरण अगर दूषित होगा या अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति का जो विकास है वह भी उसी के अनुसार होगा। फिर जो है अभिवृद्धि जो है निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, यानी अभिवृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, और ये विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जन्म से मृत्यु तक विकास चलता रहता है, और अभिवृद्धि जो है वह एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। फिर इसमें अभिवृद्धि बाह्य होती है, यानी अभिवृद्धि जो है वह बाह्य होती है, और अभिवृद्धि का संबंध शरीर के कोशों से होता है, जैसे हाथ है, पांव है, मुंह है, सिर है, इनसे होता है, और अपना जो विकास जो है वो आंतरिक होता है। फिर अभिवृद्धि जो है वो किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप को व्यक्त करती है, और विकास जो है वो प्राणी में होने वाले परिवर्तनों के योग को व्यक्त करती है, कि प्राणी में कौन कौन से शारीरिक मानसिक चारित्रिक कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं वो हमें विकास दर्शाता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि शारीरिक आकार है, भार है आदि में बढ़ोतरी होना अभिवृद्धि कहलाता है या अभिवृद्धि होता है, और इसे सरलता से तोला मापा और देखा जा सकता है, क्योंकि बालक का या व्यक्ति का जब शरीर बढ़ता है, भार बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि अभिवृद्धि या वृद्धि कर रहा है, जबकि अपना जो विकास है वह शरीर के विभिन्न अंगों के संगठन, आकार, रूप, क्रियाशीलता आदि में हुई प्रगति को विकास कहा जाता है। धन्यवाद।